हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है उत्थान परिवार में। तो दोस्तों, आज अपन देखेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है उसका जो सिलेबस था, उस जो 2018 और 19 के बेस पर जो एग्ज़ाम हुई थी सुपरवाइजर की, उसका अपन सिलेबस यहां पर कवर करेंगे। और अब जो वैकेंसी आ चुकी है और उसका जो सिलेबस होगा, उसका जो पैटर्न है, इसी सिलेबस के पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होगा। लगभग 99% सिलेबस यही रहेगा। तो गाइस, इस जो सिलेबस है इसको अपन कवर करेंगे कि जो अपने सब्जेक्ट आते हैं एग्रीकल्चर, इसके अलावा राजस्थान का जो जीके आता है वो हिंदी आती है, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं, 15 क्वेश्चन किसके होते हैं, हिंदी के होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं अपने राजस्थान जीके के। तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है, जीके में कौन कौन से टॉपिक है, कल्चर में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, और इसके अलावा बात करें कि कल्चर और हिस्ट्री में क्या है, इसके अलावा एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में क्या है, हॉर्टिकल्चर में क्या है, और एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से टॉपिक है, वो अपन यहाँ पर कवर करने वाले। तो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सिलेबस का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दोस्तों, जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं होगा आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए सिलेबस सबसे पहले आपको कवर होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप सिलेबस लेकर आइए, तो इसीलिए मैंने आपके लिए इस सिलेबस का एक वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट की, ठीक है। हिंदी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला पॉइंट हमारा वो है दिए गए शब्दों की संधि और संधि विच्छेद। तो पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, संधि विच्छेद होगा, और संधि कौन कौन सी संधियां हैं और संधि विच्छेद आपको पूछेगा। सेकेंड बात करें, इसमें उपसर्ग आ गया, प्रत्यय आ गया, इनके सहयोग से शब्द संरचना और शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय से पृथक करना और इनकी पहचान। उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे, उपसर्ग देकर आपको पूछ लेगा उनकी विशेषता पूछ लेगा, प्रत्यय शब्द देकर प्रत्यय का नाम पूछ लेगा, ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, शब्द देकर उपसर्ग पूछ लेगा कौन सा उपसर्ग है। थर्ड बात करें, इसमें सामासिक पद की रचना करना, समस्त सामासिक पद का विग्रह करना, समास विग्रह पूछ लेगा आपको। विग्रह तो आप जानते हो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट, तो समास विग्रह पूछ लेगा। नेक्स्ट है फोर, इसमें शब्द युग्मों का अर्थ भेद, शब्द युग्म, ठीक है ना, शब्द युग्म दे देगा और उनका शब्द युग्म दे देगा, दो शब्द आपको एक साथ देगा, फिर उनके अर्थ पूछेगा, ठीक है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है और इस शब्द का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट है फाइव, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा कि जैसे हवा का पर्यायवाची क्या होता है, जल का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा पूछ लेगा विलोम शब्द, ठीक है, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे लेकिन वही चीज़ अपने को यहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगी। सिक्स है हिंदी का शब्द शुद्धि, दे गई अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना, ठीक है ना, जैसे पर्यायवाची का शब्द दे देगा कि पर्यायवाची जो शब्द है वो कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, आशीर्वाद, विद्यालय, ऐसे बहुत सारे शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्धि है। सेवन है इसमें वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरण अशुद्धियों का शुद्धिकरण, ठीक है। एट की बात करें, नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, ठीक है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का चूज करेगा, एक आपको वाक्य दे देगा, ठीक है, बहुत बड़ा सारा, और उसके लिए पूछेगा कि इसके लिए केवल एक शब्द लिखिए। नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द। आपको एक इंग्लिश का एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश का पूछेगा, इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना, हिंदी अर्थ दे देगा आपको और उसका हिंदी का आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, ठीक है गाइस। टेन है मुहावरे, वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग अपेक्षित है, मुहावरे आपको पूछेगा, और लास्ट लोकोक्ति, लोकोक्ति, ठीक है, आप जानते हो मुहावरे और लोकोक्ति। तो ये था हिंदी का सिलेबस, इसमें 11 टॉपिक है आपके हिंदी सब्जेक्ट में। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पर राजस्थान के जीके की, अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं कि राजस्थान का जीके क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अब जीके में कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफी की, किसकी बात करेंगे गाइस, ज्योग्राफी की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, पर्वत, नदी, मरुस्थल और फसलें,
भौगोलिक विभाजन क्या है, जलवायु कैसी है राजस्थान की, प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ कौन सी, जैसे अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, नदियाँ कौन कौन सी है, मरुस्थल का आकार क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और फसलें कौन कौन सी होती है। तो ये तो हो गया ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में केवल ये ही टॉपिक है दोस्तों, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, पर्वत, नदी, मरुस्थल और फसलें, केवल यही टॉपिक इसके हैं ज्योग्राफी के। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड कल्चर की, सॉरी हिस्ट्री की बात यहाँ पर करने वाले हैं। हिस्ट्री में देखिए सभ्यताएं, सबसे पहले दो सभ्यता, केवल दो सभ्यताओं के बारे में पूछेगा, कालीबंगा और आहाड़ सभ्यता। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जो कहाँ पर है बताइए मुझे कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में। फिर है आहाड़ सभ्यता, ये क्या हो गया, ठीक है, सभ्यता केवल दो ही है, कालीबंगा और आहाड़ सभ्यता। फिर देखते हैं यहाँ पर, देखिए प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ पर महाराजाओं के बारे में पूछेगा। अब राजा कौन कौन से, देखिए महाराणा कुंभा हो गया, महाराणा सांगा हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, राव जोधा हो गया, राव मालदेव हो गया, महाराज जसवंत सिंह हो गया, वीर दुर्गादास हो गया, जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम, सवाई सिंह, इसके अलावा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जिन्हें गंग नहर का निर्माण किया था, वो है गंगा सिंह। तो ये हो गए महाराजाओं की हिस्ट्री। फिर है राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल व खिलाड़ी, ओके। फिर है थर्ड टॉपिक है इसमें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान का एकीकरण, कि राजस्थान को एक सम्मिलित किया गया था, ठीक है ना, बहुत सारी शाखाएं थी और उन शाखाओं को मिलाकर एक शाखाओं में निर्माण किया था, मतलब एकीकरण किया था राजस्थान का। फिर है फोर इसमें, राजस्थान की बोलियाँ, कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावलियाँ, जैसे अपन लोकल भाषाओं में जो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अपन पहनते हैं ना कपड़े, धोती कमीज वगैरह, जो उनको किस रूप में, किस रूप से परिभाषित करते हैं, ठीक है, वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, कृषि पशुपालन और व्यावसायिक शब्दावली, कृषि और पशुपालन की व्यावसायिक शब्दावलियाँ कौन कौन सी। सिक्स है लोक देवी देवता, प्रमुख संत संप्रदाय, जैसे राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता है, कौन कौन से लोक देवियाँ हैं, पंच पीर आपने सुना होगा, तेजा जी, ठीक है, गोगा जी, मेहा जी, ये सारे क्या है पंच पीर, तो ऐसे कौन कौन से देवता है और कौन कौन से देवियाँ हैं और प्रमुख संत कौन से हैं, उस संप्रदाय कौन से हैं, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख लोक पर्व कौन से हैं, त्यौहार कौन से हैं और मेले कौन से हैं, और पशु मेले कौन कौन से होते हैं राजस्थान में भरे जाते हैं, ठीक है, जैसे पुष्कर में भरा जाता है मेला, ठीक है, बाड़मेर में भरा जाता है, तो तेजा जी का मेला भरता है उसमें, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मेले हैं, त्यौहार है, पशु मेले हैं, प्रमुख लोक है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान की लोक कथा, लोकगीत और नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र और कठपुतली कला। मुहावरे क्या है, कौन कौन से लोक नृत्य है, कौन कौन से लोक गीत है, कौन कौन सी कथाएं हैं, कौन कौन से नाट्य है, कौन कौन से वाद्य यंत्र है, वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों विभिन्न जातियाँ और जनजातियाँ, जैसे भील जाति है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं जो पर यहाँ पर अपने को स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है 10 स्त्री पुरुषों के वस्त्र और आभूषण, स्त्रियां कौन कौन से आभूषण पहनती है और पुरुष कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, उनको क्या बोला जाता है उनकी लैंग्वेज में। फिर है नेक्स्ट 11 चित्रकारी और हस्तशिल्प कला, चित्र कला की विभिन्न शैलियां, भित्ति चित्र, प्रस्तर शिल्प, काष्ठ कला, मृद मांड कला, कला हस्त्र औजार, नमदे गलीचे आदि, ये सभी किस्में हैं कला संस्कृति में। फिर अपन इसमें बात करने वाले हैं कि जो इसमें क्रिया, जो नेक्स्ट जो इसमें आता है वो देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं इसमें कुछ टॉपिक और रह गए। नेक्स्ट है 12 दुर्ग हो गया, हवेली आ गई, छत्रियाँ, बावड़ियाँ, तालाब और मंदिर मस्जिद। दुर्ग राजस्थान में कौन कौन से हैं, कौन कौन से महल है, कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, कौन कौन सी छत्रियाँ हैं, कौन कौन से बावड़ियाँ हैं, कौन कौन से तालाब है, कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से मस्जिद है। फिर है संस्कार और रीति रिवाज, और लास्ट है धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल। राजस्थान में ऐसे कौन कौन से धार्मिक और पर्यटन स्थल, वो यहाँ पर स्टडी करने वाले। तो ये हो गया जीके का सिलेबस। अब देखेंगे गाइज हमारा एग्रीकल्चर का सिलेबस। सबसे पहले देखेंगे एग्रोनॉमी, सबसे पहला पार्ट अपन कौन सा देखेंगे, एग्रोनॉमी, और इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 20।
टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से, 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से, और 20 क्वेश्चन किससे आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से। तो देखिए एग्रोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक है देख लेते हैं एक बार। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि और कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान हो गया, राजस्थान में कृषि उद्यानिकी, पशुधन का परिदृश्य महत्व, ये सभी इसमें आ गया। क्षारीय भूमि हो गई, ऊसर भूमि हो गई, अम्लीय भूमि हो गई, मृदा उर्वरता हो गई, उत्पादकता हो गई, जलचरण हो गया, वायुचरण हो गया, तो ये सभी किस्में हैं दोस्तों, एग्रोनॉमी के अंदर है। ये जो PDF है उसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ पर बढ़िया तरीके से इसको रीड कर सकते हो। फिर इसमें देखिए खरपतवार ये वाला आ गया, इसमें मिट्टी आ गई, इसके बाद में देखो फिर फसलें आ गई, कटाई आ गई, मंडाई आ गई, फसलों की अनाज वाली फसलें आ गई, दाल फसलें आ गई, तिलहनी फसलें आ गई, चारे वाली फसलें आ गई, मसालेदार फसलें और नकदी फसलें आ गई। डायरेक्ट काफ़ी बार सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी नकदी फसल है, कौन सी इसमें जो रेशेदार फसलें हैं वो कौन सी है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। फिर देखिए शुष्क खेती क्या है, शुष्क खेती के कौन कौन से भाग है, शुष्क खेती राजस्थान में कहाँ पर होती है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर है हॉर्टिकल्चर, फिर कौन सा है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से टॉपिक है वो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो हॉर्टिकल्चर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, कितने आएंगे 20 क्वेश्चन। तो देखिए फल और सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति और भविष्य, कि जो फल और सब्जियों का अपन महत्व जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, कितना अपन इसको यूज़ कर रहे हैं, कितना इसको अपन यूजलेस कर रहे हैं, कितना ख़राब कर रहे हैं, कितना परसेंटाइल अपन सब्जी को लेते हैं, एक मानव को कितना सब्जी यूज करना चाहिए, कितना फल सेवन करना चाहिए, वो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले। फिर देखिए इसमें पादप प्रवर्धन हो गया, पौध रोपण हो गया, फलोदान के चुनाव की विधियाँ हो गई, ठीक है, विधियाँ कौन कौन सी है, जैसे पंच षटभुजाकार विधि हो गई, वर्गाकार विधि हो गई, आयताकार विधि हो गई, त्रिभुजाकार विधि हो गई, षटभुजाकार जो अपने शहरों के आसपास में लगाते हैं। फिर देखिए इसमें राजस्थान की जलवायु हो गई, उन्नत किस्में हो गई, प्रवर्धन की विधियाँ हो गई। फिर इसमें जो फ्रूट है वो कौन कौन से, देखिए आम आ गया, नींबू वर्गीय आ गए इसमें, अमरूद आ गया, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसुआ, बील, टमाटर, ये सब्जियां आ गई, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक। फल और फल परिरक्षण का महत्व, वर्तमान स्थिति, भविष्य, फल परिरक्षण के सिद्धांत और डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी, ठीक है, ये सब इसमें हॉर्टिकल्चर में आने वाला है। फिर से इसमें देखते हैं थोड़ा बहुत और रह गया इसका सिलेबस हॉर्टिकल्चर का, तो वो देखिए सुखाना और निर्जलीकरण हो गया इसमें। फिर देखिए जैम और जैली, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। खेती का राजस्थान की जो पौधे और फूल है उसका राजस्थान क्या संदर्भ में क्या इम्पोर्टेंस है, उद्यान की कौन कौन सी योजनाएँ हैं, वो इस हॉर्टिकल्चर में पढ़ने वाले। तो हॉर्टिकल्चर का हमने देख लिया, एग्रोनॉमी का हमने देख लिया, अब देखेंगे पशुपालन, पशुपालन से कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले देखेंगे पशुपालन का कृषि में क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन का कृषि में क्या महत्व है। पशुधन का दूध उत्पादन में क्या महत्व, प्रबंध क्या है, उसकी पशुओं की कौन कौन सी नस्लें हैं, उनका उत्पत्ति स्थान क्या है, अब देखिए कौन कौन से पशु आएंगे वो देखिए, गाय आ गई, भैंस आ गई, बकरी आ गई, भेड़ आ गई, ऊंट आ गया, ठीक है। अब गाय में कौन कौन सी नस्लें हैं वो दे रखा है स्पष्ट रूप से, गिर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजन, मालवी, हरियाणी मेवाती। फिर भैंस में देखिए मुर्रा, सूरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, इसके अलावा आप देख सकते हो बकरी, बकरी की कौन कौन सी देखिए, जमुनापुरी आ गई, बारबरी आ गई, बीटल आ गई, ठीक है, टोगनबर्ग आ गई। भेड़ की देखिए मारवाड़ी, चोंकला, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अभिवस्त्र। ऊँट में देखिए ऊँट में कुछ ही नस्लें हैं, ऊँट की नस्लें हैं इसमें। फिर रोग आ गए, जीवाणु, कौन कौन से ऐसे रोग है जो जीवाणु से होते हैं, कौन कौन से विषाणु से होते हैं। फिर उनकी जो औषधियां हैं, ठीक है, औषधियों के बारे में अपन यहां पर डिस्कस करने वाले, जीवाणुरोधी कौन सी है, विरेचक कौन सी है, उत्तेजक कौन सी है, कृमिनाशक कौन सी है, मर्दन तेल कौन सा होता है। फिर है इसमें थोड़ा कि राजस्थान के पशुओं की जो बीमारियाँ हैं, ठीक है, वो इसमें देखे यहाँ पर देख सकते हो आप कि राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियाँ, पशु प्लेग हो गया, खुरपका, मुँहपक्का हो गया, एंथ्रेक्स, गलगोट हो गया, थनलर हो गया, रानीखेत, मुर्गियों की चेचक, खूनी पेचिस। फिर देखिए दूध के बारे में, यहाँ पर डेयरी साइंस आ गई ये वाली, तो डेयरी साइंस के बारे में आप देख सकते हो, दूध से बनने वाले पदार्थ, वसा आ गई, अम्लता क्या है, क्रीम क्या होती है, दही क्या है, पनीर क्या है, घी बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है, तो वो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले। फिर देखिए इसमें
अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हो कि प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा, प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो बढ़िया तरीके से। वैकल्पिक प्रश्न का प्रश्न पत्र होगा अधिकतम पूर्णांक 100 अंक का होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, पूर्णांक 300 होगा, प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे, प्रत्येक प्रश्न के अंक 3 होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 होगा। मैंने गलत शायद गलती से वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 4 बता दिया था, लेकिन आपके अंक कितने होंगे, 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है गाइस, मैंने थोड़ा वहाँ पर आपको मैंने वहाँ पर आपको 4 नंबर बता दिया था, लेकिन होगा कितना, 3rd होगा। ठीक है ना गाइस, तो ये आप देख सकते हो इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। बाकी इसकी PDF जो मैं आपको वहाँ पर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है गाइस, सिलेबस को बिल्कुल आप क्लियर कर लेना, सिलेबस आपको याद है तो काफ़ी चीज़ें आपको अपने आप ही स्वतः ही याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।